जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो सारा हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको पब्लिश भी कर सकते हैं, जिससे तुम्हें क्या फायदा होगा कि सपोज तुम्हारा इंटरव्यू और कोई देखता है, तो इंटरव्यू देखने से भी पता लग जाता है कि सामने वाले में क्या कैपेबिलिटी है, और जो जॉब मिलने के चांसेस है ना थोड़े बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपको स्टार्ट करें फिर इंटरव्यू। करते फर्स्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सर, मैं ने बीच अनिरुद्ध साहू हूँ सर, हिंदी में बोलूँ तो जो आपको पसंद है, व्हाट एवर यू लाइक। सर। मैंने 2012 में हाई स्कूल पास किया, उसके बाद मैंने आईटीआई किया हूँ सर उड़ीसा में, उसके बाद मैंने उड़ीसा में डिप्लोमा भी किया हूँ, और डिप्लोमा करने के बाद मेरे को उड़ीसा में एल्युमिनियम स्टील प्लांट में कैंपस मिला था सर। थोड़ा सा साउंड थोड़ा ना कम आ रहा है, थोड़ा सा माइक को नजदीक कर लोगे तो ठीक है। रहा है सर, हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो जब मेरे कैंपस मिला डिप्लोमा के बाद, मैं उड़ीसा में एक स्टील प्लांट में जॉब किया था सर, उसमें से मेरे को तकरीबन 1 ईयर तक मैंने काम किया उसमें सर। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से छोड़ के आ गया एक हॉस्पिटल में, मेरी एक जानकारी था यहाँ पे मथुरा में, वहाँ पर मैंने असिस्टेंट में पहले काम किया, उसके बाद मेरे को एसी अपर बना दिया उन्होंने। फिर कुछ दिन बाद काम सीखने के बाद मैं गुड़गांव आ गया सर, एमएसटी में ड्यूटी कर रहा हूँ फिलहाल। मैंने ना उसके एक, बाद अभी हाँ ठीक है, बहुत वेरी गुड। एक मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने देखी हो, कि अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, वो देखी है वीडियो आपने। अभी एक हफ्ता पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि इंग्लिश में कोई आपसे ये पूछता है ना, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कुछ अपने बारे में बताइए, तो उसका बेटर तरीके से आंसर आप कैसे दे सकते हैं। अच्छा चलो दैट इज ओके, जो आपने बताया अच्छा है, दैट इज फाइन, बट थोड़ा सा अगर आप इंटरव्यू देने की चेयर पे है ना, जहाँ पे यूं है कि आपको सामने वाला जॉब देने वाला है, तो जी जी सर वहां पे क्या होता है कि वहां पे थोड़ा सा हमें सिचुएशनल होना पड़ता है, वहां पे अच्छा थोड़ा अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है, कि जैसे आपने बताया कि बी किया हुआ है, एक बी वाले से क्या एक्सेप्ट करते हैं, बी वाले से ये एक्सेप्ट नहीं करते कि वो हिंदी में बात करे, एक आईटीआई वाला लड़का है तो हम समझ सकते हैं यार ठीक है बेचारा, इसको हिंदी नहीं आती, मतलब हिंदी में ही बात करेगा मोस्टली, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो पहला फेज था अच्छा आपका, तो उसमें ये मुझे दिखा, तो मैंने आपको ये बताया थोड़ा। अच्छा तो अभी जो आप 3 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना अभी, तो आपको जी जी सर अभी आपकी कम से कम सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए आप देख रहे हो, तो एचवीएसी में आपका स्ट्रोंग हैंड किस चीज में है बताओ। सर, आपकी आवाज कट रहा है सर। अनिरुद्ध, तुम्हारा स्ट्रोंग हैंड किस में है, मतलब ज्यादा नॉलेज तुम्हें किस फील्ड में है। पहले तो सर मैं एचबीएस में शुरुआत किया हूँ सर। तो HVAC बाकी चीजों के भी बारे में है ना, आपको नॉलेज है ना, सब कुछ आपने लिखा है, LTHT BMS सब कुछ आपने डाला हुआ इसमें। सर आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है अभी, है क्लियर। हाँ अभी आ गया क्लियर सर। ओके, मेरी इधर तो वो लगा हुआ है, मेरा 5G कनेक्शन है, आई डोंट नो कैसे दिक्कत हो रही है यार, ऐसे होती नहीं इतनी ज्यादा दिक्कत। तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे आपके एचवीएसी से ही स्टार्ट करेंगे, तो व्हाट इज द एचवीएसी। एचवीएसी फिटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन ओके, तो
क्या क्या चीजें आती हैं जीएससी में, एक बिल्डिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। इसको रख लो जहां तुम्हें सही लग रहा है ना पकड़ने की चार फार्मा, पांच जो सफेद होती है सर, क्या उसमें चार पार्ट्स मुख्य होते हैं सर, मेन पार्ट्स, एवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व। नहीं, गलत जा रहे हो आप। HVAC के बारे में पूछा है, व्हाट इज द, आपने बताया कि HVAC है, आई आस्क यू व्हाट इज द HVAC, और एक बिल्डिंग में HVAC से रिलेटेड कौन से इक्विपमेंट लगे रहते हैं, जिस चीज के अच्छा बारे अच्छा में आप हाँ बता जी रहे जी हो, जी दैट इज ए चिलर, दैट इज द वन पार्ट ऑफ HVAC। अच्छा हाँ जी सर, हाँ एचवीएसी सर हो गया हमारा, चिलर प्लांट, सेकेंडरी पंप, प्राइमरी पंप, कूलिंग टावर, कंडेंसर पंप, हमारा कंसोल पैनल, एमसीसी पैनल और एएचयू, एफसीयू, सीएसयू, बीआरबी, बीआरएफ, स्प्लिट विंडो, डब्ल्यूएसी। हमारा जो वेंटिलेशन सिस्टम रहता है वो भी HVAC का पार्ट होता है। वेंटिलेशन जी जी हाँ, वेंटिलेशन पैनल भी उस रहती है। हाँ आपने बताया ना HB हीट वेंटिलेशन वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। एयर कंडीशन, तो एयर कंडीशन है, मैं बोलता हूँ किसी चीज को कि भी एक एक बिल्डिंग है, एयर कंडीशनिंग है, HVAC को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो किस तरह करेंगे? नहीं या एयर कंडीशनिंग को, समझे एयर कंडीशनिंग को एक मैं बोलता हूँ, HVAC को हटा देते हैं, मैं कहता जी हूँ सर। AC को, एयर कंडीशनिंग को एक्सप्लेन करना है तो उसको कैसे करेंगे? एयर कंडीशन एक्सप्लेन करना है, जैसे हमारा स्प्लिट विंडो हो गया, बीआरबी, नहीं नहीं, तो ये सर हो गया, जैसे एक रूम से किसी हीटिंग, और अब जैसे रूम से हम हीटिंग भी दे सकते हैं, हम कूलिंग भी दे सकते हैं सर, और जो हीटिंग अंदर होते हैं उसको बाहर के हम कूलिंग भी दे सकते हैं सर। दैट इज ओके, बट आपको इसका आंसर कैसे करना है? एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें उसको ठंडा या गर्म देना है, हमें किसी एक ऑफिस को फ्रेश एयर, मतलब एयर फ्रेश भी होनी चाहिए और रिक्वायर्ड टेम्परेचर के हिसाब से वो होनी चाहिए। जी जी सर, ठीक है, एयर कंडीशनिंग में एयर के जो फिल्ट्रेशन का पार्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसके कूलिंग का या हीटिंग का है। अगर जी जी एक रूम सर, में मैं एक अच्छी एक एयर दे रहा हूँ, ठंडी एयर तो दे रहा हूँ बट वो पॉल्यूटेड एयर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से वर्किंग नहीं है, उधर सक्सेसफुल नहीं है। अच्छा जैसे एक रूम में हम फ्रेश एयर भी देते हैं, जैसे एचयू के अंदर हम फ्रेश एयर मिक्स करते हैं, तो ये पूरा उसी का पार्ट है। हम ठंडा और गर्म के साथ साथ में एयर क्वालिटी पे भी जब फोकस करते हैं तो वो जी जी कंप्लीट सर, हमारा HVAC सिस्टम में आता हाँ जी सर, ओके सर, हाँ है। ठीक है, तो जो चिलर के बारे में आप बता रहे थे, चिलर में आपने चार साइकिल बताई हैं, कौन सी होती हैं और कैसे कैसे वर्क करती हैं? सर, एवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सटेंशन पार्ट सर। ओके, कैसे के इन सब का काम क्या क्या होता है, क्या कैसे कैसे काम करती हैं? सर एवापोरेटर हमारा काम करते हैं, जो हमारा जैसे ठंडा पानी को एचयू प्रेस सेकेंडरी पंप के माध्यम से एचयू के पास भेजता है सर, और वापस एचयू से प्राइमरी पंप से वापस आके फिर सर्कुलेशन घूमता है उसमें सर। ओके, फिर एवापोरेटर जाता है वेपर में होके कंप्रेसर में जाता है सर, लो प्रेशर और लो प्रेशर लो टेम्परेचर माध्यम जाता है सर। फिर कंप्रेस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके कंडेंसर में जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के माध्यम से सर।
जो हमारा एक चिलर रहता है उसकी बेसिक जी सेफ्टियां क्या क्या होती हैं? सर, हाई प्रेशर कट आउट, लो प्रेशर कट आउट, हाई प्रेशर टेम्परेचर, लो प्रेशर टेम्परेचर, एंटी फ्यूजर, वाटर फ्लो स्विच और एंटी फ्यूजर। हाई प्रेशर टेम्परेचर क्या होता है? कौन सी बताइए। जैसे सर हमारा हाई प्रेशर कट आउट सर, जो ज्यादा ज्यादा हाँ, प्रेशर एक बढ़ने पर एचपी कट आउट होगी, होता है एक सर। एचपी होगी, एक हमारी एलपी होगी, हाई प्रेशर हाँ, और हाई लो प्रेशर, लो प्रेशर होगी, प्रेशर, जो गैस का हमारा प्रेशर होता है उस पे कट करती जी हैं जी ये सर, दोनों शक्तियां। और जी कौन जी सी सर, बताई थी आपने? हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर टेम्परेचर, लो प्रेशर टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ती है, कंडेंसर का टेम्परेचर बढ़ती है हमारा, उससे भी सर प्लांट अपना ट्रिप मार जाती है सर। हाँ, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर करें हम। लो टेम्परेचर, जी सर, और एंटी फ्यूजर, वाटर प्रूफ स्विच। इन सबको कमांड कहाँ से मिलती है और कैसे कैसे फंक्शन करती हैं ये? सर इसका कमांड तो सर प्लांट के अंदर होती है सर। प्लांट में कहाँ क्या बोलते हैं, उस पार्ट को कुछ बोलते हैं? प्लांट में सर कंट्रोल पैनल बोलते हैं, जो पैनल होता है ना किसी भी मशीन का, कोई भी ऐसा है जहां से पूरी कमांड मिलती है उसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। जी सर, हाँ, कंट्रोल पैनल से सर। कुछ चिलर ऐसा होती है वहां पे भी विदाउट बीएफडी में चलती है, बीएफडी में चलती है सर। वो तो इक्विपमेंट हो गया ना हमारा, जैसे हमारे पंप हैं, कुछ पंप को हम स्टार डेल्टा में चलाते हैं, कुछ को वीएफडी में चलाते हैं। जो वीएफडी में चलाते हैं, वीएफडी क्यों यूज करते हैं, वीएफडी लगाने से क्या फायदा होता है? सर वो आरपीएम को स्पीड कम करने के लिए लगाते सर। नहीं, दैट इज सो नाइस, बट और क्या फायदा होगा मेरे को उससे? आरपीएम कम करने से क्या होगा? सर हो सकता हमारा पंप का स्पीड ज्यादा है, हम कम भी कर से चला सकते हैं। उसके बाद ड्यूअल में चला सकते हैं सर, ड्यूअल में देख डायरेक्ट चला सकते सर। नहीं, वो तुम्हारी बात ठीक है, बट मेनली क्या फायदा होगा अपने को इससे? मेनली हमारा सर दो चीजों के लिए करते हैं वीएफडी का उपयोग, एक तो ऑटोमेशन के लिए और पावर सेविंग के लिए। पावर सेविंग, मेन रीजन होता है उसका पावर सेविंग और ऑटोमेशन। अच्छा जो हमारा स्टार डेल्टा के बारे में कुछ पता है आपको? हाँ, अभी यहीं पे आके सर मैं काम किया हूँ स्टार डेल्टा के बारे में। ओके, कैसे काम करता है? अगर आपको बोला जाए एक स्टार डेल्टा के कनेक्शन करने हैं तो कर सकते हो? कैसे कर सकता हूँ सर। कैसे होंगे थोड़ा बता सकते हो? क्योंकि ड्यूल के कनेक्शन बताओ मुझे, स्टार डेल्टा यानी ड्यूल में कितनी तरह की, या स्टार डेल्टा में कितनी तरह के कनेक्शन होते हैं? सर स्टार डेल्टा में 5 तरह की होती है सर। कैसे कैसे? हाँ सर, इसका सर मुझे आइडिया नहीं है सर। मैं तो जो नॉर्मल एक तरह के आपको आते हैं वो बताइए कैसे कैसे होते हैं कनेक्शन। सर डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, ही मुझे पता है सर। नहीं, ठीक है, दैट इज ओके, यही चाहिए अपने को। जो मोटर चलती है हमारी, पहले स्टार में चलती है डेल्टा में चलती है? पहले मेन पे होके फिर स्टार में होती, स्टार के बाद फिर डेल्टा में चलती सर। तो इससे फायदा क्या होता है? अगर मैं इसकी जगह स्टार डेल्टा की जगह ड्यूल स्टार्टर लगा दूं तो क्या होगा? सर ये जैसे मैंने स्टार्ट यूज कर, ये सर स्टार्टिंग लोड को मैं कम करने के लगाते सर। मेरे पास तीन ऑप्शन है, एक है एमसीबी, एक है जी डीओएल और एक है स्टार डेल्टा। तो मोटर इनमें से तीनों पे चल जाएगी या किसी में कोई दिक्कत होगी, क्या कुछ होगा अगर तीनों के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जाए, क्या डिफरेंस रहेगा और कौन सा सबसे बेटर है? सर, बेटर हमारा सर एक तो जो स्टार डेल्टा लगा दो बेटर है सर। ओके,
रेटिंग देनी हो, पहले नंबर पे कौन होगा, दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे कुछ एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा। सर पहले नंबर पे पहले सबसे पहले जो हमारा सबसे अच्छा होगा वो हमारा DOL होगा। अगर मैं चार चीजें इसमें रख दूँ ना, VFD, स्टार डेल्टा, DOL और डायरेक्ट MCB से, तो सबसे जी सेफ जी और पावर सेविंग का रहेगा हमारा, जो हमारे को कोई कंसर्न नहीं देगा, VFD। VFD के बाद में हमारा रहेगा स्टार डेल्टा, जी 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 उसमें हमारी मोटर भी प्रोटेक्टेड रहती है, इसमें सेफ्टियां लगी रहती हैं, ओवरलोड, सिंगल फेज प्रिवेंटर लगा रहता है, सिंगल प्रिंटर फेज सीक्वेंस लगा रहता है, इंटरलॉकिंग होती है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब इक्विप उसमें। अगर मैं DOL में चलाता हूँ तो उसमें भी चल जाएगी मोटर, उसमें भी ओवरलोड की सेफ्टी होती है, बेसिक सेफ्टियां होती हैं, काम करता है। बट अगर MCB में हम उसको डायरेक्ट लगाते हैं तो वो वर्क नहीं करेगा। ऑटोमेशन में भी अगर हमें स्टार डेल्टा और DOL में चलाना है, ऑटोमेशन में करना है ना, तो हमें DOL, स्टार डेल्टा या VFD किसी में भी जा सकते हैं। अच्छा और थोड़ा और किस चीज के बारे में पता है इस HVAC के अलावा? HU के बारे में थोड़ा बताइए, HU कैसे के? एक रूम है मेरा, वो ठंडा नहीं हो जी रहा सर है। जी सर एक HU है, वो 10 रूम को फीड कर रहा है, बट उसमें से एक रूम ठंडा नहीं हो रहा है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सर हो सकता जो इसमें डक्ट जा रहा है उसमें डक्ट में का लीकेज हो भी सकता सर, हो सकता उसका बीए भी बंद हो सकता सर, वेरिएबल VAB क्या होता है? एयर वॉल्यूम ओके, कैसे बंद हो जाता है, कैसे काम, क्या क्या होता है ये? सर, ये आउट जो सप्लाई वाली डक्ट होते हैं ना उसमें से लगा रहती है सर, ये कभी कभार सर बंद हो जाता है सर, मोटराइज बल्ब लगती है उसमें कभी कभार बंद होता है सर ये। और क्या रीजन हो सकता है इसके अलावा? इसके अलावा सर हमारा फिल्टर भी हो चुके हो सकता सर, जैसे हमारा प्री फिल्टर होती है, फाइन फिल्टर होती है और मोटराइज वाली बंद हो सकता है सर, हो सकता है यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जा रहा है वहीं प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। रिटर्न रिटर्न का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके अलावा आपको DG के बारे में है कुछ नॉलेज है? तो हाँ सर डीजी के बारे में है सर, थोड़ा बताइए, DG के बारे में कुछ बताइए। सर मैंने यहीं पे यहाँ पे जा कर रहा हूँ वहाँ पे वाटर कूल डीजल डीजल जनरेटर लगा हुआ है सर, 1010 KVA का सर। हाँ कैसे कैसे वर्क करता है, क्या कुछ उसमें सुबह मतलब ए चेक में क्या देखना पड़ता है? सर ए चेक में सर सबसे पहले तो हमें डीजल कितना है डे टैंक में उसको चेक करना पड़ता है, डे टैंक बफर में कितना है, और उसके बाद सर चेक करते हैं बैटरी वोल्टेज पे, डस्ट क्लीन बेल्ट बैटरी टाइटनेस वोल्टेज कितना होना चाहिए हमारा? 24 वोल्ट से लेकर 27 तक रहता है सर, 24 से लेके 27 के बीच में 27। अगर आपका 22 वोल्ट आ गया है तो क्या मतलब दिक्कत हो सकती है? 22 वोल्ट में सर हमारा डीजी स्टार्ट नहीं हो पाएगा सर। नहीं, ठीक है, आपने देख लिया, आपने ऑब्जर्व कर लिया पहले ही कि 22 वोल्ट आ रखी है, तो क्या चेक करोगे, क्या फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से वोल्टेज नहीं बढ़ रही है? सर हो सकता है उसमें चार्जिंग नहीं है सर, तो क्या क्या चीजें चेक करेंगे? इसमें डिजिटल वाटर है कि नहीं है, तो चार्ज देखते हैं मल्टीमीटर लगा कर इसमें वोल्टेज प्रॉपर कितना आ रहा है सर, अभी सर चेक कर सकते सर। आपने उसमें डिजिटल वाटर भी डाल दिया है, फिर भी मतलब कुछ नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद सर तो हमें उस बैटरी को सर तो चार्जिंग पे एक बार 24 आवर्स लगा कर चेक करेंगे प्रॉपर चार्जिंग ले रहा है नहीं ले रहा है, अगर ले रहा है तो ठीक है, नहीं ले रहा है तो सर फिर उसको मान लो खराब है सर। और आपने बताया कि जो
ए चेक में क्लीनिंग करते हैं, ऑयल चेक करते हैं, तो हमारा जो डे टैंक में तेल है कितना होना चाहिए उसमें? सर ये मैक्सिमम 1000 लीटर की टैंक आती है, हमें उसमें 900 लीटर करीब रखती है सर उसमें। तो नॉर्मली कितना रखते हैं, मिनिमम कितना तेल उसमें रख सकते हैं हम? मिनिमम सर हम तो 800 से 900 लीटर बीच में सर, पूरा फुल नहीं कर सकते सर उसमें, 800 से 900 बीच में रखते जो हैं। टैंक होता है उसका, वो ना 1000 लीटर का नहीं होता है, 1000 से कम का ही होता है, 990 लीटर, 995 लीटर, तो इस तरह का होता है। 1000 लीटर से, 1000 या 1000 से ऊपर का कोई भी टैंक अगर आप लगाएंगे तो उसके लिए स्पेशल जी परमिशन लेनी सर, पड़ती है। कभी कोई पूछता है तो यही बताना है कि वो 1000 से कम का ही होता है, 990 लीटर तक का मैक्सिमम। अच्छा। और बताइए बी चेक के बारे में, या सर बीच चेक में सर हमारा 300 घंटे के बाद, इधर 6 मंथ के बाद सर होता है सर। उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, क्या कुछ चेंज किया जाता है? सर उसमें से फिल्टर चेंज होती है हमारा, 12 नॉस फिल्टर यहाँ पे चेंज हुए थे सर, मैं आने से छुट्टी पे था, मैंने सुना था सर 12 नॉस फिल्टर चेंज हुआ सर। ऑयल कौन सा और डालते हैं उसमें अंदर? लूपेंट से डालते सर उसमें हाँ, कौन सा नाम होता है उसका? सर, उससे 15W40 सर। तो ये क्या, क्यों ये वाला ऑयल क्यों डालते हैं, कुछ है पता इसका? सर इसका फोर स्ट्रोक इंजन में ना सर, इसका अच्छा ये रहता है सर, इसीलिए डालते सर। इसके सर ग्रेड है सर, 15W40 जो है वो हॉल का ग्रेड है सर, वो अच्छा फिन काम करता है सर। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ना। तो इसका क्या रहता है ना, ये एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे जाके भी अच्छी तरह काम करता है। इसका जो लिक्विड, मतलब इसकी जो डेंसिटी बोलेंगे, वो जमता नहीं है, जैसे मिनिमम टेम्परेचर पे आके जमेगा नहीं, इसको हर जगह यूज कर सकते हैं। ये टेम्परेचर को देख के किया अच्छा जाता है कि इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर के बीच में ये अच्छी तरह काम करता है। थोड़ा इसके बारे में देखोगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि 15W40 क्यों यूज करते हैं और क्या होता है। और डीजी पे आपने काम किया है या ज्यादा काम किस पे किया है अभी? असिस्टेंट असिस्टेंट एसी ऑपरेटर एमएसटी सर अभी। नहीं, एमएसटी में अभी कर रहे हो तो क्या क्या देखते हो उधर? एमएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है? सर एमएसटी की रेस्पॉन्सिबल सर ये होती है सर, हमें इस बिल्डिंग में कमर्शियल साइड में सर, जैसे एसटीएलटी का पूरा लाइन देखना है, ट्रांसफार्मर, डीजी, फायर इक्विपमेंट, चिलर प्लांट, एक सुपरवाइजर लेवल पे सर एक एमएसटी का काम देखना पड़ता है सर। तो अभी डेली कुछ लर्निंग कर रहे हो आप? कुछ नोट्स हैं तुम्हारे पास में? जी सर नोट्स है सर, आपकी वीडियो सर देखता हूँ, पूरा नोट्स चीज करता हूँ, ट्रांसफॉर्मर, डीजी, बाकी मेल भी लिफ्ट हो वगैरह गया सब भी चीज हो सर। सकता है आपको और कुछ, क्योंकि एक्चुअल में आपकी जो टीम है ना उधर, जो आपके चिलर में जी जी बंदा सर है, उसके सामने क्वेश्चन रेज होने चाहिए, उससे पूछो। अभी ऑल ओवर ना थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है तुम्हें। अच्छा तुम्हारा क्वालिफिकेशन पार्ट दैट इज सो फाइन, ठीक है, अच्छा है, बट इसमें ना तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग के 4-5 महीने चीजें लर्न करने के लिए, अच्छा तो जो ग्रुप है मैं उसमें तुम्हें ऐड कर दूंगा, बट जी सर। लर्निंग करनी पड़ेगी उसमें। थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट तुम्हें दिखाना पड़ेगा उसमें, काफी लोग हैं जो डेली डिस्कशन होता है, तो जी इन्वॉल्व सर रहोगे तो वहां पर आप बने रहोगे और लर्निंग भी करोगे काफी कुछ, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ ठीक है। अगर मैं देखो अभी मैं मार्किंग दूँ ना तुम्हें अपने इंटरव्यू से, 10 में जी से सर, एक एमएसटी के लिए ही, मैं एमएसटी के लिए अगर तुम्हें मार्किंग दूँ ना, तो 10 में से तुम्हें 5 मार्क मिलेंगे। देखो अच्छा तो इतना इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तुम्हें। अच्छा अच्छा सर।
तो जो ये मार्किंग मिली है ना, इसको ये मत सोचना, नेगेटिव मत लेना इसको, इसको नहीं पॉजिटिव नहीं 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 लेना। सर, नहीं, कई बार होता है, नहीं यार मैंने तो, मेरे को तो काफी ज्यादा आता है, बट ना ना सर, नहीं वैसे आपसे इंटरव्यू लिया मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा सर अभी सर, बहुत इतना फेस टू फेस इंटरव्यू में इतना भी जितना जाता हूँ सर, बहुत चीज नोट करके लाता हूँ, फिर रात को रूम पे सर पर रिवीजन करता हूँ, ये ऐसे ऐसे पूछे थे, ये इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो एक्चुअली सर मैं कितना बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, वो थोड़ा रेसिडेंटल साइड में जाता हूँ ना सर, वो कहते हैं मैकेनिकल वाले को सर बहुत कम लेते हैं, इसीलिए थोड़ा मैं इग्नोर हो जाता हूँ सर, इसलिए आपसे मेरी कॉल बात हुई थी सर, आपने कहा हर चीज में चलेगा, डिग्री आपका डिप्लोमा कैसे भी होना चाहिए हर चीज चलेगा सर। नॉलेज आपके पास है ना, तो आपको कहेंगे प्लीज आ जाइए मेरे यहाँ पे आ जाइए। अगर आपके पास ना क्वालिटी है ना, सामने वाला आपको जी हाथ जी जी जोड़ेगा, भाई साहब आ जाइए मेरे पास में। अच्छा तो वो क्वालिटी लानी पड़ेगी, उस क्वालिटी के लिए ना कुछ कुछ अलग ही होना चाहिए। अच्छा हाँ, तो अभी तुम्हें अगले एक आध महीने तो बहुत ज्यादा मतलब पीछे लगना है। एक जो ग्रुप में ऐड करूंगा उसमें मिस्टर साहू हैं, नहीं, क्या नाम है उनका, अरे अभी बताता हूँ, जो तुम्हें काफी हेल्प करेंगे। हाँ, मिस्टर जी दास जी हैं, सर, मिस्टर संतु दास। तो जी सर, उनका इंटरेस्ट मैंने देखा है, बहुत रहता है ग्रुप पे, सबसे ज्यादा एक्टिव वही दिखता है मेरे को। जी सर, तो वहां पे रह के काफी कुछ लर्न करोगे, और हम लाइव भी आते रहते हैं, जैसे उस दिन जी आप थे सर, लाइव, तो वो जी सिर्फ जी मैं ग्रुप्स में डालता हूँ, कई बार भी हूँ, ठीक है यार, एक आध बार मैंने उस पे अपने डाला था। जी जी सर, ठीक है, बट ये डिपेंड करेगा कि आप कितना लर्न करते हो। जी ठीक है, सर, मैं सिखाने के लिए मेरे पास मतलब बहुत कुछ है, आप सीखने वाला होना चाहिए। ठीक अच्छा, हाँ सर, है, जी सर, तो मैं अभी आपको ऐड कर दूंगा उस ग्रुप में, बाकी सब लोगों से इंट्रोड्यूस हो जाओगे, जल्दी हो जाओगे एक आध दिन के अंदर ही, बट आपको लर्न बहुत कुछ करना है। जी सर, ठीक है, और अगला इंटरव्यू हम लोग 1 महीने के बाद लेंगे, और मुझे मिनिमम 8 to 9 मार्क चाहिएंगे इसमें। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, इन ठीक बिटवीन है ना सर, अभी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू होने हैं, तो वीडियोस कंटिन्यू देखोगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अभी कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इंटरव्यू में ना बहुत लिमिटेड पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ, मुझे जहां तक लगता है ना कि फिर आंसर नहीं मिलते ना, तो फिर मैं रुक जाता हूँ वहां पे। इंटरव्यू तो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो सकता है अगर स्ट्रोंग कैंडिडेट मिलता है तो। ठीक है, तो ठीक है सर, ठीक है, क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, सब कुछ मिलेगा, और बेस्ट ऑफ लक। ठीक बिल्कुल सर, है, ओके यार, ओके सर, बाय। ओके सर।